मास्क मैं पहन लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे भाई आप मास्क क्यों नहीं पहने हुए हो। तो देख सकते हैं आप लोग ये अशोक राजपथ का नज़ारा, बिल्कुल सन्नाटा हुआ वह रोड। खाना लगा रहे हैं, क्या क्या है यहाँ पे? पूरी और सब्जी की इंतजाम की गई है। खाली चावल मिला, सिर्फ चावल मिला, उसके साथ और कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि भाई लॉकडाउन का एक वीडियो लाइए, और बहुत सारे भाई लोग मेरे को ये भी कह रहे थे नहीं भाई घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलो। तो सबसे पहले अपने सेफ्टी के लिए भाई हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, और ये देख लो मास्क मैं पहन लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे भाई आप मास्क क्यों नहीं पहने हुए हो। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग आप लोग बोल रहे थे कि भाई वीडियो लाइए, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वीडियो मत बनाए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग ये अशोक राजपथ रोड है, यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा अशोक राजपथ रोड है। नॉर्मल डे में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, ट्रैफिक पूरा लगा रहता है, और आज आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल भी सन्नाटा है। और आज लॉकडाउन का 7वां दिन है, और मैं 7वें दिन आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ दिखाने के लिए कि क्या सिचुएशन है पटना में। और बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि जहाँ खाना बट रहा है पटना बिहार में वो सब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जो नॉर्मल डे में जो कमाते खाते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जिनको खाना अगर बटता है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे और चलते हैं देखते हैं। और ये सब्जी बाग एरिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं सामने पिरवौर थाना है, और ये एरिया आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा बिल्कुल खाली है। और नॉर्मल आदमी जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि लोगों को नहीं निकलना चाहिए घर से, तो कुछ कुछ जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप लोग शायद वो अपने काम से निकले हैं, मगर उन लोगों को अगर काम नहीं है तो ऐसे नहीं निकलना चाहिए। तो भाई लोग मैं अभी आप लोगों को लेकर के चलने वाला हूँ उस जगह पे जहाँ पे गरीबों के लिए खाना बन रहा है, और उसके बाद हो सका तो मैं बांटते हुए भी दिखाऊंगा। 15 minutes later। तो भाई लोग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं उस जगह आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ जहाँ हेल्प किया जा रहा है, खाना बांटा जा रहा है, और अभी मैं आप लोगों को वहाँ लेके चलता हूँ। देख सकते हैं भाई चेयर रखा हुआ है, थोड़ा जाने में दिक्कत है, और ये देख लीजिए सामने अंदर में आप लोगों को भी लेकर के चलने वाला हूँ और दिखाता हूँ जहाँ पे खाना बांटा जा रहा है उन लोगों को जिनको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है खाने की। तो भाई लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक भैया, यहाँ पे देख लीजिए भैया एक बार हाय कर दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पर ये खाना लगा रहे हैं। क्या क्या है यहाँ पे? पूरी और सब्जी की इंतजाम की गई है, लोग मतलब ये खाना कहाँ दे रहे हैं गरीबों को। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पे पूरी सब्जी का इंतजाम है, और अभी कहाँ बांटने जाएंगे इसको? जी ये जाएंगे हर गरीब, जहाँ गरीब भूखे हैं उन्हीं को देने जाएंगे, और जहाँ से लोग आ रहे हैं पैदल चल के उनके लिए इंतजाम किया गया है, मतलब दूर से जो कहीं अपना जैसे पटना से उनको कहीं जाना है वो। जी जी, जो लोग दिल्ली से यूपी से जो पैदल चल के आ रहे हैं उनके लिए है ये, और जो गरीब झोपड़ी वाले में रहते हैं गरीब लोग उनके लिए। तो देख सकते हैं भाई कितना अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, तो उन लोगों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है खाने की, तो उन लोगों के हेल्प के लिए यहाँ पे पूरी और सब्जी बनाया जा रहा है, और मैं अभी दिखाता हूँ आपको चल करके जहाँ पे बना रहे हैं। तो भाई लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भैया भी पूरी छान रहे हैं, देख लीजिए आप लोग काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प हो रही है गरीबों की जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, और जस्ट उसके बगल में देख लीजिए यहाँ पे बेला रहा है पूरी, और काफी ज्यादा अच्छा काम हो रहा है। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सब्जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये सब्जी प्रिपेयर हो चुका है।
लीजिए यहाँ पे खाना पैक हो चुका है और सब लोग जा रहे हैं खाना को कहाँ गया है और गरीब लोगों में बांटने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए दो गाड़ी और जा रहा है और चलिए देखते हैं उसके बाद हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खाना बस लोग निकल रहे हैं ले जा रहे हैं। सब गाड़ी आई है आगे तो गाइस अभी हम लोग बस निकल चुके हैं और चलते हैं लेकर के आप लोगों को उस जगह पे जहाँ पे गरीब लोग हम लोगों का वेट कर रहे हैं खाने के लिए जिनके पास खाने के लिए नहीं है और वो कमाते हैं और खाते हैं और अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। तो एक भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं अभी हम दोनों लोग और चल करके देखते। तो भाई लोग देख सकते हैं बिल्कुल रोड सन्नाटा हुआ हुआ है यहाँ पे आप लोग देखिए। अभी हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं कुछ वक्त में और इतना सन्नाटा मैंने पहले तो कभी नहीं देखा है। आप लोगों को बता देता हूँ मैं 7 दिन बाद मतलब जब से ये लॉकडाउन हुआ है उसके बाद आज घर से बाहर निकलता है। थोड़ा बहुत जो सामान वामान लेना होता था तब निकलता था मगर आज निकल रहा हूँ तो आप लोग मैं खुद देख के शौक हूँ कि इतना ज़्यादा सन्नाटा हुआ है। तो कई लोग फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को आप लोग भी ज़रूर फॉलो कीजिए। गाड़ी पे 200 डिब्बे थे और जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे सारे गाड़ी वाले और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है सब लोगों ने खाना पहुँचाया। हम लोगों के साथ जो भाई थे उनका जो डब्बा था वो ख़त्म हो चुका बाकी सभी गरीबों ने। तो आप लोगों को जैसा दिखा होगा पटना बिहार में भी अभी इंसानियत जिंदा है। लॉकडाउन होने के बाद भी लोग खाना बांट रहे हैं। अगर आप लोग भी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। इससे क्या होगा कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो गरीब हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है उन लोगों को भी खाना मिल जाएगा। इस वीडियो को भाई लाइक नहीं भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं मगर शेयर ज़रूर करना
इससे क्या होगा कि बाकी जो लोग करने का सोच रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना आप लोग। यहाँ पर एक रिक्शा वाले हमको मिले हैं, तो उनसे जानते हैं, भाई आपने खाया खाना? रात में हमको जो चावल मिला था कदम कुआं थाना से, खाली चावल मिला। सिर्फ चावल मिला? हाँ। उसके साथ और कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो आप लोग कैसे खा रहे हैं फिर? हम अपना पैसा ला खा रहे हैं सर, यहाँ चीन पहचाना था इसलिए खा रहे हैं। अगर बाहरी आदमी अनजान रहेगा तो कैसे खाएगा? ये बात सही है। तो बहुत सारे लोग अभी जैसे कि हम लोगों ने भी किया, बहुत सारे लोग को मदद किया है, बहुत सारे लोग तक खाना पहुंचाया। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? एक दिन में बहुत, अभी के टाइम में हो रहा है 100-150 रुपये हो रहा है खाने के टाइम में। और आम दिन कितना कमा लेते हैं? आम दिन में तो 500-600 रुपये कमा लेते हैं सर। 500-600 रुपये आप आम दिन में कमाते हैं, और अभी लॉकडाउन के मौके पे आप मुश्किल से 150 रुपये कमा पा रहे हैं। तो भाई आप देख सकते हैं बाकी लोग का स्थिति, और हम लोगों ने बहुत सारे लोग को आज हेल्प किया है। करीबन 700 से 800 जो है डिब्बा टोटल बांटा गया है यहाँ, और मैं भी गया था, आप लोगों ने देखा। तो भाई लोग इसी तरीके से आप लोग भी हेल्प करते रहिए। इन जैसे लोग का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को हेल्प करना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आप लोग रिक्शे वाले को देखें या ठेले वाले को देखें या तो किसी गरीब लोग को देखें, तो उन लोगों का हेल्प करना सबसे पहले आप लोगों को, आप लोगों की ड्यूटी है। अभी 7 दिन हुआ, अभी काफ़ी दिन बाकी है, अभी 14 दिन बाकी है, 14 दिन बाकी है, तो इन लोगों को सर्वाइव करना है, इस वजह से आप लोगों का हेल्प करना बनता है। जैसे कि भाई लोग आप लोगों ने देखा खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो भाई लोग आप लोगों को वीडियो तो ज़रूर पसंद आया होगा। मैं बस देख सकते गाड़ी पे था, इस वजह से पूरा बाल जो है ख़राब हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया। आप लोग एक चीज़ बहुत ध्यान देना कि जो आपके पड़ोस वाले हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है 21 दिन तक सर्वाइव करने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग उनका हेल्प ज़रूर कर देना। तो भाई लोग उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, आज 7 डे है लॉकडाउन का, और मैं आज आप लोगों के डिमांड पे बाहर निकला हूँ। वैसे मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ घर से बाहर ना निकले, और अगर निकले तो मास्क और ग्लव्स दोनों को पहन करके निकले। और प्लीज़ वक्त वक्त पे आप लोग अपना हैंड को ज़रूर वॉश करते रहना, क्योंकि ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिस अगर इसको आप लोगों को, इसके चेन को आपको तोड़ना है, तो आप लोगों को घर में रहना ज़्यादा सही रहेगा। तो प्लीज़ भाई लोग आप लोग घर में रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई लोग फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।